भूलें तो सबसे होती है, लेकिन एक होता है भूल हुई और फौरन सुधार ली। जैसे कोई साइकिल सीखता है और साइकिल सीखते सीखते कहीं ब्रेक लग जाता है, कहीं कुछ हो जाता है और नीचे गिर जाता है, तो नीचे ही गिरा रहे तो कहेंगे वो तो हार गया, हिम्मत हार गया। तो नहीं, क्या बताया, भूलें तो होती है सबसे, लेकिन क्या करें, तुरंत भूल को सुधार लेना चाहिए। ऐसे ना हो कि भूलों में फंसे ही जाओ, अपना ही कान पकड़ना चाहिए कि फिर ये भूल नहीं करेंगे। बच्चों को पुरुषार्थ करना चाहिए अभूल बनने का। अगर घड़ी घड़ी भूल होती रहती है तो समझना चाहिए कि हमारा ही नुकसान होता जा रहा है। भूले करते ही दुर्गति को पाया हुआ है ना, कितनी बड़ी सीढ़ी उतर करके अभी देखो क्या से क्या बन गए। आगे तो हमको ये ज्ञान नहीं था, अभी नंबर बार पुरुषार्थ अनुसार ज्ञान से सब प्रवीण हो गए। क्या पहले इतना ज्ञान नहीं था? पहले मैंने कब, जब दुनिया में थे तो बीके वालों के लिए ये वाक्य लागू होता था कि दुनिया में थे तो दुनिया भी ज्ञान था। जो बाबा का जो ब्रह्मा के द्वारा दिया हुआ बेसिक नॉलेज का ज्ञान है वो नहीं था, अभी ये ज्ञान है, ये बात बुद्धि में आई और अभी एडवांस में आने के बाद अभी समझ में आता है कि बेसिक में जो ज्ञान है वो तो कुछ भी नहीं, कुछ भी वजन का नहीं है। अभी जो ज्ञान मिल रहा है वो तो बहुत गहरा है। तो अभी नंबर वार पुरुषार्थ अनुसार ज्ञान से प्रवीण हो गए हैं, सब एक जैसे प्रवीण नहीं हुए हैं। क्या ज्ञान में भी सब एक जैसे होशियार नहीं हुए हैं। जितना हो सके अंतर्मुख होकर के रहना है। क्या भूले ज्यादा क्यों होती है? क्योंकि देवान आता है, बहिर्मुखी बन जाते हैं, अंदर जो आत्मा है वो याद नहीं रहती है, बाहर के देह का चिंतन लग जाता है तो भूले होती है। तो जितना हो सके अंतर्मुखी रहेंगे तो भूले कम होंगी।